हेलो एवरीवन बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये तो सच है कि भगवान है ये वाला सॉन्ग बजा कर दिखाऊंगा, एक बार विदाउट बीट और विद बीट, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप सरगम एक बार बजा के देख लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको सॉन्ग बजाकर दिखाता हूँ तो आप बस फिंगर्स देख के बजाना शुरू कर देते है ना, सरगम आपको नहीं मालूम होती, आप सरगम पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। गाने की सरगम पहले वो भी देखनी है आपने, ठीक है। लेकिन सॉन्ग बजाने से पहले मैं एक बार आपको सरगम बजाकर दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको सरगम सारेगामा पादा निसा ये वाली और कोमल सरगम बताई थी, ठीक है। दोनों एक बार आप ये जरूर देख लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए ये है सरगम, ठीक है, ये आपने सीखी हुई है ना, ये आपने बजाई भी है। सारेगामा पादा निसा ये हो गया आरोह, फिर अवरोह क्या होता है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना, पहले एक बार सीधा बजाया, फिर सरगम को वापस हमने सा नी धा पा मागरे सा यहाँ से बजाया, ये हो गया अवरोह, सा नी धा पा मागरे सा। ये आप बजाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। और फिर इसके बाद कोमल सरगम ये आपने जरूर बजानी है, ठीक है। ये कोमल सरगम है, इसमें रे गा धा नी अंडरलाइन किए हुए हैं, स्लीपिंग लाइन वाले जो हो गए ना, ये कोमल स्वर हो गए, रे गा धा नी कोमल होते हैं, इसलिए इनको ये स्लीपिंग लाइन दे दी, ठीक है। और जिस पर ये स्टैंडिंग लाइन है ये तीव्र हो गया, इसको बोलते हैं तीव्र म, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें स्लीपिंग लाइन होती तो ये भी कोमल हो जाता, बट म कोमल होता ही नहीं है, इसलिए इस पर स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। तो ये कोमल सरगम बजानी बहुत जरूरी है आपको। मैंने 5-6 सरगम जितनी भी सरगम करवाई है, आप उसमें से एक तो ये वाली सरगम, ये वाली प्रैक्टिस में जरूर रखेंगे, और ये कोमल सरगम प्रैक्टिस में जरूर रखेंगे, क्योंकि इसको करने से आपको कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं सारी कीज लर्न हो जाएंगी, ठीक है। सारे कीज के बारे में आपको पता रहेगा, चाहे आपका कीबोर्ड छोटा या बड़ा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये सॉन्ग मैंने आपको दिया था, ये तो सच है कि भगवान है, ये इसका हिस्सा ही हो गया, ये हो गया पैराग्राफ सॉन्ग का अंतरा, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक। अब इसको कैसे कैसे रिपीट करना है, अंतरा बजा के कैसे स्थाई लाना है, ठीक है, मैं पूरा बजा कर आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों मैं पहले आपको विदाउट बीट ये सॉन्ग बजा कर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है ना सॉन्ग, यहाँ पे हमने लगाया थम थम से स्टार्ट करेंगे,